हेलो एवरीवन, आई एम संकेत कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू संकेत रेक्स एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 हनीड्यू बुक का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इस स्टोरी के राइटर हैं माइकल मॉर्पर्गो। बिफोर यू रीड, देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. The story you will read mentions one such date and event, a war between the British and Germans in 1914. कह रहा है क्या कि हमारे इतिहास में ऐसे बहुत सारे डेट हैं और समय हैं जो जिनका हमारे ऊपर ऐसा प्रभाव है कि हम उन्हें भूल नहीं सकते हैं। हर एक व्यक्ति उन्हें याद रखता है। आज जो हम लोग कहानी पढ़ने जा रहे हैं, यह कहानी वैसे ही किसी ऐतिहासिक डेट के बारे में है, एक ऐसी घटना के बारे में है जब ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच 1914 में वॉर चल रहा था। लेट अस बिगिन। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट, अ रोल टॉप डेस्क। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओ आई हैड वॉन्टेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। This one was in a bad condition, the roll top in several pieces, one leg clumsily mended, scorch marks all down one side. It was going for very little money. I thought I could restore it, but it would be a risk, a challenge. But I had to have it. I paid the man and bought it back to my workroom at the back of the garage. I began to work on it on Christmas Eve. ऑथर बताते हैं कि एक जंक शॉप में, एक कबाड़ की दुकान में जो कि ब्रिडपोर्ट में है, वहाँ उन्हें एक रोल टॉप डेस्क दिखता है, जो रोल टॉप डेस्क उस दुकानदार के बताने के अनुसार ओक की बनी हुई है और 19th सेंचुरी से बिलोंग करती है। ऑथर को शुरू से ही रोल टॉप डेस्क चाहिए था, लेकिन रोल टॉप डेस्क खासकर ओक की बहुत महंगे होते हैं। यह रोल टॉप डेस्क थोड़ी सी बुरी कंडीशन में था, थोड़ा टुकड़ों में भी था, कुछ एक लेग जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से उसे जोड़ा गया था, मेंडेड था, और एक तरफ पूरी तरफ जो है वो जला हुआ का निशान भी था। यह रोल टॉप डेस्क बड़े ही सस्ते में मिल रहा था। ऑथर ने सोचा कि वो इसे खुद से ठीक कर सकते हैं। ऑथर सोचते हैं कि यह एक रिस्की काम होगा लेकिन चैलेंजिंग होगा। ऑथर जानते थे कि उन्हें एक रोल टॉप डेस्क चाहिए ही चाहिए, तो ऑथर ने उस मैन को पैसे दे दिए और उसे वो अपने गैराज के पास पीछे वर्क रूम में ले आए और उस रोल टॉप के रीस्टोरेशन का काम वो शुरू कर दिए क्रिसमस ईव को। आई रिमूव द रोल टॉप कंप्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स। द वीनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। The last drawer was stuck fast. I tried all I could to ease it out gently. In the end, I used brute force. I struck it sharply with the side of my fist and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath. A secret drawer. There was something in there. ऑथर बताते हैं कि ऑथर ने रोल टॉप का उस डेस्क का रोल टॉप सबसे ऊपर का जो हिस्सा है उसे पहले पूरी तरीके से हटा दिया और फिर एक एक करके उसमें से ड्रॉर्स निकालने लगे। वीनियर यानी जो साइड में जो साइनिंग मटेरियल होता है, जो लकड़ी के फर्नीचर्स में लगाया जाता है, वो लगभग हर तरफ से उखड़ चुका था। ऐसा लग रहा था कि पानी का असर उस रोल टॉप डेस्क पर हुआ है। ऑथर के हिसाब से पानी और आग दोनों ने ही उस रोल टॉप डेस्क पर अपना असर छोड़ा है। ऑथर बताते हैं कि जो लास्ट ड्रॉर है वो बहुत ही बुरी तरीके से टाइटली फंसा हुआ था। ऑथर ने पूरी कोशिश की और जब उन्होंने बहुत ज़ोर से पकड़ के उसे खींचा तो वो दूर फेंका गया और उसके अंदर देखने पर ऑथर को पता चला कि वहाँ एक सीक्रेट ड्रॉर है और उसमें कुछ था। I reached in and took out a small black tin box. Sellotaped to the top of it was a piece of lined notepaper and written on it in shaky handwriting. Jim's last letter, received January 25, 1915. To be buried with me when the time comes.
I knew as I did it that it was wrong of me to open the box, but curiosity got the better of my scruples. It usually does. ऑथर बताते हैं कि जब ऑथर ने वहाँ पे तलाशा उस सीक्रेट ड्रॉर में, तो उन्हें एक ब्लैक टिन बॉक्स मिला। उस ब्लैक टिन बॉक्स के ऊपर सेलो टेप करके एक लाइनिंग किया हुआ नोट पेपर था, जिस पे एक डेट लिखा हुआ था 2 जनवरी 25, 1915, और उस पे लिखा हुआ था जिम्स लास्ट लेटर, यानी उस बॉक्स में जिम का अंतिम लेटर है, जिसे कि जनवरी 25, 1915 में रिसीव किया गया था। और उस लेटर पर यह भी, उस पेज पर, उस कागज़ के टुकड़े पर, नोट पेपर पर यह भी लिखा हुआ था कि जब समय आए तो इसे मेरे साथ बड़ी कर दिया जाए, यानी दफना दिया जाए। अब यहाँ पे मेरे साथ जिस व्यक्ति ने इस नोट पेपर को लिखा था, यहाँ वो अपने बारे में बात कर रहा है। ऑथर को इस बात का एहसास था कि उस बॉक्स को खोल के पढ़ना, किसी के प्राइवेट चीज़ों को पढ़ना सही नहीं है, लेकिन अक्सर ही ऑथर अपनी उत्सुकता के सामने हार जाते हैं, और उसी उत्सुकता में और जानने की जिज्ञासा में उन्होंने उस लेटर को खोला, उस बॉक्स को खोला। उस बॉक्स के अंदर, इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप, द एड्रेस रेड, मिसेस जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉरसेट। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। इट वाज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1914। कह रहा है क्या कि उस बॉक्स के अंदर एक एनवेलप था, उस एनवेलप पर एड्रेस दिया हुआ था मिसेस जिम मैकपर्सन, यानी यह लेटर एड्रेस था मिसेस जिम मैकपर्सन को। मिसेस जिम मैकपर्सन के लिए यह चिट्ठी लिखी गई थी, जिनका एड्रेस दिया गया था 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉरसेट, यानी वहाँ के लिए यह लेटर जो है लिखा गया था। ऑथर ने लेटर को निकाला और निकाल के उसे खोला। उस वो लेटर पूरी पेंसिल से लिखा गया था, और उसके टॉप पर डेट मेंशन था December 26, 1914, यानी यह लेटर लिखा गया है December 26, 1914, और इसे रिसीव किया गया था बाय मिसेस जिम मैकपर्सन। ये बात हम यहाँ पर डिस्कवर कर सकते हैं कि उन्होंने ही, क्योंकि उनके नाम से लेटर है तो उन्होंने ही रिसीव किया, और कब रिसीव किया, तो January 25, 1915। ये चीज़ क्लियर रखना है हमें। अब हम उस लेटर को पढ़ते हैं जैसा कि ऑथर ने पढ़ा। डियरेस्ट कोनी, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once. उसमें mention किया गया है कि मेरी प्यारी कोनी, मैं तुम्हें जब यह letter लिख रहा हूँ तो मैं मानसिक तौर पर बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छा कुछ हुआ है और जो मुझे तुम्हें बताना ही है। We were all standing too in our trenches yesterday morning. Christmas morning, it was crisp and quiet all about, as beautiful a morning as I have ever seen, as cold and frosty as Christmas morning should be. उस लेटर में आगे लिखा हुआ है कि हम सभी लोग अपने ट्रेंचेस में कल सुबह खड़े थे। ट्रेंचेस एक गड्ढे तरीके का जगह होता है जो कि जनरली वॉर जोन में बनाया जाता है सोल्जर्स के द्वारा, ठीक है। कह रहा है क्या कि ऑथर बताते हैं कि उस लेटर में लिखा हुआ था कि हम लोग सभी वहाँ पे खड़े थे और क्रिसमस मॉर्निंग की सुबह थी। ऑथर उस लेटर में लिखा हुआ था कि इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, कि हर तरफ जो है शांति थी और ये बहुत ही खूबसूरत सुबह थी। जिस व्यक्ति ने ये लेटर लिखा है उस व्यक्ति की बात हो रही है, कि वो बताते हैं कि वो सुबह बहुत खूबसूरत थी और बहुत ही ठंड भरी थी। जितनी ठंड एक क्रिसमस मॉर्निंग को होनी चाहिए उतनी ठंड भी थी। I should like to be able to tell you that we began it, but the truth I am ashamed to say that fridge began it. उसके बाद उस लेटर में लिखा हुआ है कि मैं इस बात को चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कहूँ कि मैंने इस काम को शुरू किया या हमने इस काम को शुरू किया, लेकिन सच्चाई ये है कि हमने नहीं बल्कि फ्रिज ने शुरू किया, ठीक है। अब फ्रिज क्या है? एक्चुअली एक कॉमन नेम है जो यूज़ किया जाता है ब्रिटिश सोल्जर्स और जर्मन सोल्जर्स के लिए। जर्मन सोल्जर्स को फ्रिज और ब्रिटिश सोल्जर्स को टॉमी यूज किया जाता है, वर्ड कॉमनली बहुत ही फेमस टर्म है। तो यहाँ पे फ्रिज यानी कि द जर्मन सोल्जर्स बिगैन इट। अब क्या जर्मन सोल्जर्स ने शुरू किया, ये हम लोग आगे इस लेटर को पढ़ के डिस्कवर करेंगे।
कह रहे हैं क्या, फॉर समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट, देन देवर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। किसी व्यक्ति ने, उस लेटर में लिखा हुआ है कि किसी ने देखा कि एक वाइट फ्लैग जो है वो दूसरी तरफ से जो है दूसरे तरफ के ट्रेंचेस से वेव किया जा रहा है। वाइट फ्लैग या वाइट कलर जो है वो पीस का साइन होता है, मींस नो वॉर, शांति। उसके बाद वो लोग नो मैंस लैंड में हमें बुला रहे थे, नो मैंस लैंड की उस तरफ से हमें बुला रहे थे, और हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस टॉमी कह रहे थे, यानी जर्मन सोल्जर्स ब्रिटिश सोल्जर्स को हैप्पी क्रिसमस बोल के बुला रहे थे। When we had got over the surprise, some of us shouted back, same to you fridge, same to you. I thought that would be that. We all did, but suddenly one of them was up there in his grey great coat and waving a white flag. Don't shoot, lads, someone shouted, and no one did. Then there was another fridge up on the parapet and another. Keep your heads down. I told the men it is a trick, but it wasn't. फिर जब, क्योंकि वॉर जोन है तो ब्रिटिश सोल्जर्स सरप्राइज्ड हैं कि आखिर जर्मन सोल्जर्स हैप्पी क्रिसमस क्यों कर रहे हैं, लेकिन जब ये लोग सरप्राइज से आउट ऑफ सरप्राइज, जब इन लोगों का शांत हुआ, इन लोगों को समझ में आया कि कुछ तो हो रहा है, तब इनके तरफ से, ब्रिटिश सोल्जर्स की तरफ से किसी ने जोर से बोला हैप्पी क्रिसमस या सेम टू यू फ्रिज, यानी इन लोगों ने भी जर्मन्स को सेम टू यू बोला। ऑथर ने ऐसा सुना उस लेटर में, जैसा कि लिखा गया है, लेटर के जो राइटर हैं उन्होंने ऐसा सुना, ठीक है। फिर उनमें से, यानी जर्मन सोल्जर्स में से एक ग्रे कलर का ग्रे कोट पहना हुआ व्यक्ति खड़ा होता है, वो अपने हाथ में वाइट फ्लैग वेव करता हुआ कहता है, डोंट शूट, गोली मत चलाओ, ठीक है। और ऐसा ही ब्रिटिश सोल्जर्स की तरफ से भी हुआ, किसी ने भी गोली नहीं चलाया, और फिर एक एक करके जर्मन सोल्जर्स वहाँ पे उस ट्रेंच से बाहर निकल के सामने आने लगे। जिसने लेटर लिखा है, लेटर राइटर कहते हैं कि वो, उन्होंने अपने लोगों से कहा, यानी ब्रिटिश सोल्जर्स से कहा कि ये एक ट्रिक है, जरूर उन लोगों की कोई चाल है, लेकिन सच्चाई ये थी, जो बाद में लेटर राइटर ने डिस्कवर किया कि यह एक ट्रिक नहीं था। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड। It is Christmas Day, Tommy. We have snaps, we have sausages, we meet you. Yes, by the time there were dozens of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them. Little Private Morris was the first up. Come on, boys, what are we waiting for? And then there was no stopping them. I was the officer. I should have stopped them there. And then, I suppose, but the truth is that it never even occurred to me I should. All along their line and ours, I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats meeting in the middle, and I was one of them. I was a part of this. In the middle of the war, we were making peace. जिसने लेटर लिखा है वो बता रहे हैं, अभी ये चीज हमें क्लियर होगा कि वो एक ब्रिटिश ऑफिसर हैं। तो वो कहते हैं कि जर्मन सोल्जर्स में से एक व्यक्ति के हाथ में एक बॉटल था, और वो कहता है कि क्रिसमस का दिन है टॉमी, चलो मिलते हैं, हमारे पास सॉसेजेस हैं, स्नैप्स, ये सब खाने की चीज़ें होती हैं, चलिए मिलते हैं और साथ में क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। और उसके बाद दर्जनों ऑफ जर्मन सोल्जर नो मैंस लैंड में आने लगे, और उन लोगों के बीच कोई भी राइफल नहीं था। लिटिल प्राइवेट मॉरिस, एक्चुअली ये एक पोस्ट है डिफेंस में, ठीक है। तो उस, वो जो मॉरिस है वो सबसे पहले ब्रिटिश सोल्जर्स की तरफ से खड़ा हुआ, और वो बोलता है ब्रिटिश सोल्जर्स को कि आखिर हमें किस बात का इंतजार है, चलिए अब हम लोग भी उनसे मिलते हैं। जब जर्मन सोल्जर्स, व्हेन जर्मन सोल्जर्स आर मेकिंग रेडी टू मेक पीस एंड दे आर रेडी टू सेलिब्रेट क्रिसमस टुगेदर, देन लेट्स गो। उसके बाद सबसे पहले लिटिल प्राइवेट मॉरिस खड़ा हुआ, और उसके बाद कि ब्रिटिश सोल्जर्स को भी कोई रोक नहीं सकता था, ब्रिटिश सोल्जर्स भी आगे बढ़ने लगे। जर्मन सोल्जर्स और ब्रिटिश सोल्जर्स दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ रहे थे। जो लेटर राइटर है वो बताते हैं कि वो जबकि एक ब्रिटिश ऑफिसर हैं तो उन्हें ब्रिटिश सोल्जर्स को रोकना चाहिए था, लेकिन वो ये भी बताते हैं कि उनके दिल में कभी ये ख्याल ही नहीं आया कि उन्हें रोकना चाहिए था। और ग्रे कोट यानी जर्मन सोल्जर्स एंड खाकी कोट यानी ब्रिटिश सोल्जर्स आपस में बीचों बीच युद्ध के सीजन में, युद्ध के समय में आपस में मिलने लगे और मिल रहे थे, और इतना ही नहीं बल्कि
युद्ध के बीच वो एक पीस शांति का प्रतीक दे रहे थे, और जो हमारे ब्रिटिश ऑफिसर हैं जिन्होंने यह लेटर लिखा है वो बताते हैं कि वो भी इसका पार्ट थे। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट होनी माई फीलिंग्स एज आई लुक इन टू द आईज ऑफ द फ्रिज ऑफिसर हु अप्रोच्ड मी हैंड आउट स्ट्रेच्ड हैंस वॉल्फ ही सेड ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट आई एम फ्रॉम डिसेलडॉर्फ आई प्ले सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा हैप्पी क्रिसमस। उसके बाद जो ब्रिटिश सोल्जर है जो लेटर के राइटर हैं वो कहते हैं कि मेरी प्यारी कोनी तुम उम्मीद नहीं कर सकती हो, तुम सोच नहीं सकती हो कि जब मैंने एक जर्मन सोल्जर की आंखों में देखा जिसने अपने हाथ बढ़ाकर अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, हैंस वॉल्फ यानी जो जर्मन सोल्जर है जो जर्मन ऑफिसर है उसने हाथ बढ़ाया और अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए अपना नाम बताया हैंस वॉल्फ, और उसके बाद उसने बताया कि वो डिसेलडॉर्फ से है और वो ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता है, और यह बात बोलते हुए उसने ब्रिटिश ऑफिसर को विश किया हैप्पी क्रिसमस। कैप्टन जिम मैकपर्सन आई रिप्लाइड एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉरसेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। तब जो लेटर राइटर हैं जो कि हमारे ब्रिटिश सोल्जर हैं उन्होंने अपने आप को डिस्क्लोज किया, अपना इंट्रोडक्शन दिया कि उनका नाम जिम मैकपर्सन है जो कि एक कैप्टन है और वो एक स्कूल टीचर हैं डॉरसेट में वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में। तो इस तरीके से हमें पता चला कि जिम मैकपर्सन जो हैं वो इस लेटर के राइटर हैं, और उन्होंने जो लेटर लिखा है मिसेस जिम मैकपर्सन को वो उनकी वाइफ है। आह डॉरसेट ही स्माइल्ड आई नो दिस प्लेस आई नो इट वेरी वेल। उसके बाद जो ब्रिटिश ऑफिसर है हैंस वॉल्फ वो कहता है अरे ओ अच्छा आप डॉरसेट से हैं, मैं इस जगह को जानता हूँ बहुत अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर्ड माय रम राशन एंड हिज एक्सेलेंट सॉसेज एंड वी टॉक्ड कोनी हाउ वी टॉक्ड ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश बट इट टर्नड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉरसेट नेवर हैड बीन टू इंग्लैंड ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश। इसके बाद जिम मैकपर्सन बताते हैं कि हम लोगों ने यानी कि जिम मैकपर्सन ने और हैंस वॉल्फ ने आपस में जो भी राशन का सामान था जो भी खाने की चीज़ें थी सॉसेजेस वगैरह और रम ये सब शेयर किया और इन लोगों ने क्रिसमस का सेलिब्रेशन शुरू किया। ये लोग आपस में बात कर रहे थे। जिम मैकपर्सन बताते हैं कि वो बिल्कुल परफेक्ट इंग्लिश बोल रहा था, और जिम मैकपर्सन बाद में इस बात को डिस्कवर किए कि जो हैंस वॉल्फ है उसने कभी भी डॉरसेट में कदम नहीं रखा है। डॉरसेट तो क्या वो कभी इंग्लैंड भी नहीं गया है, उसे जो भी बात इंग्लैंड के बारे में या इंग्लिश के बारे में पता है वो सभी इंग्लिश की बुकों को पढ़ के पता है। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। उसके जो फेवरेट राइटर है उसका नाम है थॉमस हार्डी, यानी हैंस वॉल्फ अपने बारे में बताया जिम मैकपर्सन को कि उनका फेवरेट राइटर थॉमस हार्डी है और फेवरेट बुक जो है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड है। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बात साहिबा एंड गैब्रियल ऑक एंड सर्जेंट ट्रॉय एंड डॉरसेट ही हैड अ वाइफ एंड अ सन बॉर्न जस्ट 6 months अगो एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वेयर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर ऑल ओवर नो मैंस लैंड स्मोकिंग लाफिंग टॉकिंग ड्रिंकिंग ईटिंग हैंस वॉल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वॉज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस के कोनी। इसके बाद जिम मैकपर्सन बताते हैं कि जब उसने बता दिया कि उसे फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड बुक पसंद है जो कि जिसके राइटर हैं थॉमस हार्डी, फिर इन लोगों ने नो मैंस लैंड में बातचीत चालू की, बात साहेबा गैब्रियल ओक सर्जेंट ट्रॉय ये सब जो कैरेक्टर्स हैं इन कैरेक्टर्स के बारे में, और इतना ही नहीं बल्कि डॉरसेट के बारे में भी उन लोगों ने बातें की। हैंस वॉल्फ ने यह बात बताया जिम मैकपर्सन को कि उसकी एक वाइफ और एक बच्चा भी है, एक बेटा जिसकी कि 6 महीने पहले ही जन्म हुई है। इसके बाद जिम मैकपर्सन लेटर में लिखते हैं कि जब वो अपने आसपास उस दिन देखे तो उन्होंने पाया कि चारों ओर ग्रे और खाकी कोट आपस में नो मैंस लैंड में बैठ के बातचीत कर रहे हैं, हंस रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, टॉक कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, यानी चारों ओर सेलिब्रेशन हो रहा था। हैंस वॉल्फ और जिम मैकपर्सन ने जो जिम मैकपर्सन की वाइफ ने उनके लिए क्रिसमस केक बनाया था उसे भी शेयर किया। ही थॉट द मार्जिपैन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड आई अग्रीड वी अग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी।
हैंस वॉल्फ ने जिम मैकपर्सन को बताया कि वो जो मार्जिपन फ्लेवर्ड जो केक है वो उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और उसने आज तक इतना टेस्टी मार्जिपन कभी भी टेस्ट नहीं किया है, कभी भी नहीं खाया था। जिम मैकपर्सन बताते हैं कि वो और हैंस वॉल्फ लगभग हर एक बात पे एक दूसरे से एग्री कर रहे थे। कभी भी इस तरीके का क्रिसमस पार्टी नहीं हुआ था। दो दुश्मन कंट्री के सोल्जर्स युद्ध के समय आपस में नो मैंस लैंड में बैठ के क्रिसमस मना रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। देन समवन आई डोंट नो हु ब्राउट आउट अ फुटबॉल, ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स to make goal post and the next thing we knew it was Tommy against Fridge out in the middle of the no man's land. Hans Wolf and I looked on and cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything. There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us. He saw it too and smiled. Jim McPherson, he said after a while, I think this is how we should resolve this war. A football match. No one dies in a football match. No children are orphaned. No wives become widows. उसके बाद जिम मैकपर्सन अपने लेटर में लिखते हैं कि अचानक से किसी ने कहीं से एक फुटबॉल ले आया और फिर क्या था, जितने भी कोट्स थे वो सारे ग्रेट कोट्स दोनों तरफ डंप कर दिए गए, रख दिए गए और उनका एक पाइल बना दिया गया, उनका ढेर बना दिया गया और उसी ढेर को गोल पोस्ट के रूप में यूज़ किया जाने लगा। उसके बाद कुछ ही देर में ब्रिटिश सोल्जर्स और जर्मन सोल्जर्स के बीच फुटबॉल का मैच शुरू हो गया। इन द मिडल ऑफ द नो मैंस लैंड ब्रिटिश सोल्जर्स और जर्मन सोल्जर्स फुटबॉल का मैच खेलने लगे। हैंस वॉल्फ और जिम मैकपर्सन भी चीयर कर रहे थे मैच को। सभी लोग जो बैठे थे वो लोग क्लैप कर रहे थे और अपने पैर को ज़मीन पे पटक रहे थे ताकि उससे जो है जो ठंड है वो ठंड थोड़ा दूर रहे, इन्हें थोड़ी गर्मी लगे। जिम मैकपर्सन अपने चिट्ठी में लिखते हैं कि एक ऐसा क्षण भी आया, एक ऐसा समय आया जब उन्होंने यह बात नोटिस की, इस बात पे ध्यान उनका गया कि इन दोनों यानी मिस्टर जिम मैकपर्सन और हैंस वॉल्फ की जो ब्रीथ्स हैं वो हवा में मिंगल हो रही हैं, आपस में मिल रही हैं। यह चीज़ हैंस वॉल्फ ने भी देखा और वो भी स्माइल किया। उसके बाद हैंस वॉल्फ कहता है जिम मैकपर्सन से कि इसी तरीके से युद्ध का समाप्त होना चाहिए। उसका मानना है कि अगर युद्ध की जगह फुटबॉल मैच हो तो कितना अच्छा हो, जो फुटबॉल मैच जीता वही युद्ध भी जीत गया। हैंस वॉल्फ कहते हैं कि एक फुटबॉल मैच में कोई भी व्यक्ति मरता नहीं है, ना तो कोई बच्चा ऑर्फेन होता है यानी अनाथ होता है और ना ही कोई वाइफ विडो होती है। आई वुड प्रीफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, एंड देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली। तो इस पर जिम मैकपर्सन कहते हैं कि नहीं, फुटबॉल से ज़्यादा अच्छा होता अगर क्रिकेट होता, क्योंकि ब्रिटिशर्स क्रिकेट ज़्यादा खेलते हैं। तो इस पर वो कहते हैं कि अच्छा होता कि अगर क्रिकेट होता तो इससे हमारी जीतने की संभावनाएं बढ़ जाती। और यह बात बोलकर वी लाफ्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच्ड द गेम। सैड टू से कोनी फ्रिज वॉन 2-1, बट एज हैंस वॉल्फ जेनरसली सेड आवर गोल वॉज वाइडर देन देयर सो इट वॉजेंट क्वाइट फेयर। कह रहे हैं क्या, उसके बाद यह बात बोल के जिम मैकपर्सन और हैंस वॉल्फ आपस में हंसने लगे। जिम मैकपर्सन लिखते हैं कि दुख की बात यह है कि जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे वो जर्मन सोल्जर्स से मैच हार गए थे 2-1 से, लेकिन हैंस वॉल्फ एक बहुत ही जेनरस, बहुत ही काइंड व्यक्ति हैं और बहुत ही क्लियरली उन्होंने यह बात बताया कि एक्चुअली जो ब्रिटिश सोल्जर्स का गोल था वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा था, जिसके कारण जर्मन सोल्जर्स की जीत आसान हो गई। और यह बात बोलते हुए वो बताते हैं कि मैच उतना फेयरली नहीं हुआ। द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड, द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेजेस हैड लॉन्ग सिंस रन आउट एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर। अब समय हो चुका था, खाने की सभी चीज़ें बहुत पहले ख़त्म हो चुकी थी और वो समय हो चुका था जब इन लोगों को, दोनों ही सोल्जर्स को अलग अलग होना था। यह बात सब लोग समझ रहे थे। आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम। जिम मैकपर्सन ने हैंस वॉल्फ को विश किया, ग्रीटिंग्स दी
और इत शुभकामनाएं देते हुए कहा कि काश तुम जल्दी ही अपने परिवार से मिल सको और ये युद्ध खत्म हो जाए और हम सभी घर जा पाएं। आई थिंक दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट ऑन बोथ साइड, हैंस वोल्फ सेड। हैंस वोल्फ ने भी कहा कि शायद दोनों ही तरफ के सोल्जर जो सैनिक हैं वो यही चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो और वो सभी घर जा सके। टेक केयर जिम मैकपर्सन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू। और जिम मैकपर्सन को यह बात बोलते हुए कि मैं कभी भी इस क्षण को भूल नहीं पाऊंगा, न तो तुम भूलोगे, हैंस वोल्फ ने उसे टेक केयर कहा। ही सैल्यूटेड, उसने जिम मैकपर्सन को सैल्यूट किया एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली आई फेल्ट। जिम मैकपर्सन बताते हैं कि वो उसके बाद हैंस वोल्फ उन्हें सैल्यूट करके दूर जाने लगा। यह बात साफ था कि वो चाहते नहीं थे, फिर भी वो जा रहा था। ही टर्न टू वेव जस्ट वंस एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मेन ड्रिफ्टिंग बैक टुवर्ड्स द ट्रेंचेस। उसके बाद जिम मैकपर्सन बताते हैं कि वो एक बार पीछे घूमा और उसने एक बार हाथ हिलाकर मुझे बाय किया और उसके बाद वो भी उन सौ में से एक हो गया जो ग्रे कोट्स वापस अपने ट्रेंचेस की ओर, यानी जो जर्मन सोल्जर्स वापस अपने ट्रेंचेस की ओर जा रहे हैं। That night, back in our dugouts, we heard them singing a carol and singing it quite beautifully. It was still Natch, silent night. Our boys gave them a rousing chorus of wild. Seyfert watched. We changed carol for a while and then we all fell silent. We had had our time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live. बता रहा है क्या कि उस रात इन लोगों ने अपने ट्रेंचेज में, अपने डगआउट में, यानी जहां ये लोग थे उस जगह पे इन्होंने सुना कि जो जर्मन सोल्जर थे वो करोल एक खुशी का गीत गा रहे हैं। जो गाना था स्टिल नाइट, तो इस बात को सुन के ब्रिटिश सोल्जर्स ने भी बहुत ही अच्छा वाइल्ड सेफर्ड वॉच एक गाना है, उस गाना को गाया। कुछ देर तक ये लोग आपस में जो सॉन्ग्स हैं वो गा गा के एक्सचेंज किए, यानी कुछ देर इन लोगों ने गाना गाया और फिर इन्जॉय किया। फिर कुछ देर के बाद पूरी तरफ शांति हो गई। जिम मैकपर्सन अपने लेटर में लिखते हैं कि हमारा शांति का समय खत्म हो चुका था और वह क्षण मैं कभी नहीं भूलूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। डियरेस्ट कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी। इसके बाद वो अपने लेटर में लिखते हैं कि मेरी प्यारी कोनी, अगले साल क्रिसमस तक ये युद्ध कुछ नहीं होगा सिवाय एक बुरी याद के। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपेंड टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट। वो अपनी चिट्ठी में लिखते हैं कि मैं जानता हूँ कि दोनों ही तरफ के जो सैनिक हैं वो सिर्फ और सिर्फ शांति चाहते हैं और युद्ध समाप्त चाहते हैं। वो लिखते हैं कि मैं जल्दी ही तुमसे मिलूंगा और हम लोग साथ हो पाएंगे। योर लविंग जिम, तुम्हारा प्यारा जिम। और ऐसा लिख के उनका लेटर खत्म होता है। अब देखते हैं हमारे ऑथर क्या कर रहे हैं। आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप। ऑथर ने सबसे पहले उस लेटर को पढ़ने के बाद अब उसे वापस मोड़कर एनवेलप में रख दिया है। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू। आई ड्रोव इनटू ब्रिडपोर्ट जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वॉज। हाउस नंबर 12 टर्नड आउट टू बी नथिंग बट अ बर्नड आउट शेल, द रूफ गेपिंग, द विंडोज ब्रोडेड अप। I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of a Mrs. Macpherson. कह रहा है क्या कि ऑथर ने उस लेटर को फोल्ड करके एनवेलप में रखा। रात भर उन्हें नींद नहीं आई। अगली सुबह उन्हें पता था क्या करना है। वो तुरंत ही ड्राइव करके ब्रिडपोर्ट चले गए जो उनके घर से कुछ मील दूर था। उन्होंने वहाँ एक बच्चे को, जो कि एक लड़का अपने कुत्ते को टहला रहा था, उससे पूछा कि कॉपर बीचेस कहाँ है। और हाउस नंबर 12 जब वो पहुँचे तो उन्हें पता चला कि हाउस नंबर 12 सिर्फ और सिर्फ एक जला हुआ मकान है जहाँ छत खुला हुआ है, टूटा हुआ है, पूरी तरीके से छत खुला हुआ है, खिड़कियां गायब हैं। अब ऐसा देखकर ऑथर जो बगल के मकान है वहां पूछते हैं कि क्या किसी को पता है मिसेज जिम मैकपर्सन कहाँ है। ओ यस, सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर, ही न्यू हर वेल, अ लवली ओल्ड लेडी ही टोल्ड मी, अ बिट मडल हेडेड बट एट हर एज सी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, वॉजंट सी, 101 ईयर्स ओल्ड। She had been in the house when it caught fire. No one really knew how the fire had started, but it could well have been candles. She used candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive.
The fireman had got her out just in time. She was in a nursing home now, he told me, Burlington House on the Dorset Road on the other side of the town. जब ऑथर ने 12 कॉपर बीचेस पे जो मिसेस जिम मैकपर्सन का एड्रेस है वहाँ पहुँचे तो उन्हें पता चला कि वो घर पूरी तरीके से जला हुआ है और टूट चुका है, छत खुली हुई है, खिड़कियाँ गायब हैं। तो ऑथर ने बगल के उस घर के बगल वाले मकान में यानी उस मिसेस जिम मैकपर्सन के नेबर के यहाँ जब दरवाज़ा खटखटाया तो वहाँ से एक बूढ़े व्यक्ति निकले। वो व्यक्ति उन्होंने बताया कि हाँ वो मिसेस जिम मैकपर्सन को जानते हैं, वो एक बहुत ही प्यारी सी लेडी है लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूज्ड रहती है आजकल। फिर वो बताते हैं कि उनकी जो उम्र है 101 साल, तो इस उम्र में कंफ्यूज रहना ओके है। फिर वो बताते हैं कि वो घर में ही थी मिसेज जिम मैकपर्सन जब घर में आग लगी। वैसे तो लोगों को एग्जैक्टली पता नहीं कि आखिर आग लगी कैसे, लेकिन उस ओल्ड मैन का जो कि नेबर है मिसेज जिम मैकपर्सन के, उनका मानना है कि शायद आग इसलिए लगा क्योंकि मिसेज जिम मैकपर्सन कैंडल्स का यूज़ ज़्यादा करती थी, क्योंकि उनका मानना था कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी है और कैंडल्स ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। फायरमैन ने बिल्कुल समय रहते ही मिसेज जिम मैकपर्सन को उस जलते हुए घर से बाहर निकाल लिया था। तो अब हमें यहाँ पे यह क्लियर हो रहा है कि वह जो रॉयल टॉप डेस्क ऑथर ने खरीदा है वो मिसेज जिम मैकपर्सन का ही रॉयल टॉप डेस्क होगा जो इस घर में रहा होगा जब इस घर में आग लगी, और मिसेज जिम मैकपर्सन ही वो लेडी है जिसने उस ब्लैक बॉक्स में उस रॉयल टॉप डेस्क में मिस्टर जिम मैकपर्सन के उस लेटर को रखा होगा, यह इच्छा जाहिर करते हुए कि इस लेटर को उनके साथ ही दफना दिया जाए जब उनकी मृत्यु हो। I found Burlington House nursing home easily enough. उस ओल्ड मैन ने बताया कि अभी मिसेज जिम मैकपर्सन जो हैं वो बर्लिंगटन हाउस में हैं जो कि एक नर्सिंग होम है। ऑथर को आसानी से वो जगह मिल गई। देयर वेयर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद अ लोब साइडेड एंजल ऑन द टॉप। आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड टू come to visit Mrs. MacPherson to bring her a Christmas present. I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. Author जब वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि hallway जो है वो paper chains से यानी paper के chains बना के decorate किए गए थे और अंदर में Christmas tree भी था जो light था यानी पूरी तरीके से उसे जो है light से जलाया गया था, और इतना ही नहीं बल्कि उसके top पर एक angel भी था। ऑथर ने वहाँ खुद को इंट्रोड्यूस किया कि वो मिसेज जिम मैकपर्सन के एक फ्रेंड हैं जो उनसे मिलने आए हैं उनके लिए क्रिसमस प्रेजेंट लेके। ऑथर देख सकते थे कि डाइनिंग रूम में सभी लोग पेपर हैट पहने हुए हैं और क्रिसमस का सेलिब्रेशन वो लोग कर रहे हैं और गाना वगैरह गा रहे हैं। द मैट्रन हैड अ हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी। सी इवन ऑफर्ड मी अ मिंक पाई। She walked me along the corridor. Mrs. Jim MacPherson is not in with the others, she told me. She is rather confused today, so we thought it best if she had a good rest. She has no family, you know, no one visits. So I am sure she will be only too pleased to see you. She took me into a conservatory with a wicked wicker chairs and potted plants all around and left me. Us old house ki jo caretaker hai, उसने भी हैट पहन रखा था। वो बहुत खुशी थी ऑथर को देख के, इसलिए खुश थी कि उन्होंने कहा, उन्होंने इन्हें पाई भी ऑफर किया खाने के लिए, और इतना ही नहीं उन्होंने जब वो कॉरिडोर से लेके ऑथर को जा रही थी तो उन्होंने कहा कि मिसेज जिम मैकपर्सन अभी बाकी लोगों के साथ नहीं है क्योंकि आज वो थोड़ी ज़्यादा ही कन्फ्यूज़ हैं, और इसीलिए मैटरन ने यह सोचा कि उन्हें अकेले रहने दिया जाए ताकि वो थोड़ा रेस्ट कर सकें। मैटरन खुश हैं कि क्योंकि मिसेज जिम मैकपर्सन से मिलने कोई नहीं आता है, तो उनका मानना है कि मिसेज जिम मैकपर्सन ऑथर को देख के बहुत खुश होंगी क्योंकि कोई तो उनसे मिलने आया है। ऑथर को वो एक कंजर्वेटरी में लेके जाती हैं जहाँ पे वीकर चेयर्स जो है वो कमज़ोर चेयर्स रखे हुए हैं, वहाँ चारों ओर पॉटेड प्लांट्स हैं, और उसके बाद वहाँ पर छोड़ के वो ऑथर को चली जाती हैं। द लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप। She had silver white hair pinned into a wispy bun. She was gazing out at the garden. Hello, I said. She turned and looked up at me vacantly. Happy Christmas, Connie, I went on.
जब ऑथर अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वो ओल्ड लेडी एक व्हील चेयर पर बैठी हुई हैं, उनके दोनों हाथ फोल्डेड उनके लैप में इनकी यानी उनके गोद में हैं, उनकी वाइट सिल्वरी जो हेयर्स हैं वो एक बन बना हुआ है उसमें, और वो बाहर गार्डन की ओर देख रही हैं। ऑथर ने हेलो कहते हुए उन्हें खुद को इंट्रोड्यूस किया, और जब मिसेस जिम मैकपर्सन ऑथर की ओर मुड़ती हैं तो ऑथर उन्हें हैप्पी क्रिसमस कोनी बोल के विश करते हैं। उसके बाद वो कहानी सुनाना शुरू करते हैं। आई फाउंड दिस, आई थिंक इट इज़ योर्स। वो बताते हैं कि मुझे यह चिट्ठी मिली है जो मुझे लगता है कि आपकी है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर। ऑथर जब बोल रहे थे तो मिसेस जिम मैकपर्सन की आंख लगातार उनके चेहरे पर देख रही थी और उन्होंने कहीं भी और नहीं देखा। ऑथर ने तुरंत बॉक्स को खोला और उन्हें वो चिट्ठी दे दी। That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with sudden glow of happiness. जैसे ही उन्होंने वो चिट्ठी देखा वो खुश हो गई, उनकी आंखें चमकने लगी और चेहरा भी खुशी से, बिल्कुल खुशी से चमकने लगा। I explained about the desk, about how I had found it, but I don't think she was listening. For a while she said nothing but stroked the letter tenderly with her fingertips. कह रहा है क्या कि मैंने, ऑथर ने यह एक्सप्लेन किया कि उन्हें कैसे रोल टॉप डेस्क मिला, वहाँ उसमें उस लेटर, उन्होंने वो डब्बा खोजा ब्लैक कलर का टिन बॉक्स, जिस ब्लैक टिन बॉक्स में उन्हें वो लेटर मिला, ये सारी कहानियाँ वो उन्हें सुना रहे थे मिसेज जिम मैकपर्सन को। लेकिन ऐसा लग रहा था कि शायद मिसेज जिम मैकपर्सन सुन नहीं रही हैं, वो खोई हुई थी। कुछ समय तक वो कुछ नहीं बोल रही थी और उस लेटर को वो धीरे धीरे अपने फिंगर टिप्स से सिर्फ फील कर रही थी और सहला रही थी। Suddenly she reached out and took my hand. उसके बाद अचानक से वो अपना हाथ बढ़ाती हैं और ऑथर का हाथ अपने हाथों में ले लेती हैं। Her eyes were filled with tears. उनकी आंखें आंसू से भरी हुई हैं और अब वो बोलती हैं, You told me you would come home by Christmas, dearest. She said, And here you are, the best Christmas present in the world. Come closer, Jim dear, sit down. वो कन्फ्यूज हो गई हैं। वो कह रही हैं वो ऑथर को जिम मैकपर्सन समझ रही हैं और यह समझते हुए वो कहती हैं कि तुमने कहा था कि तुम क्रिसमस तक जरूर आओगे मेरे प्यारे, और यहाँ तुम आ ही गए। तुम मेरे लिए क्रिसमस का सबसे बेहतरीन प्रेजेंट हो। आओ मेरे बगल में आके बैठो मेरे प्यारे जिम। और यह बात बोलते हुए वो ऑथर को बगल में बैठाती हैं, यानी वो ऑथर को जिम मैकपर्सन समझ रही हैं। आई सैट डाउन बिसाइड हर एंड सी किस्ड माई चीक। ऑथर बताते हैं कि जब वो उनके बगल में बैठे तो मिसेस जिम मैकपर्सन ने उनके गाल पर किस किया। I read your letter so often, Jim. Every day I wanted to hear your voice in my head. उसके बाद मिसेस जिम मैकपर्सन बताती है कि मैं तुम्हारे लेटर को हर दिन पढ़ा करती थी। मैं चाहती थी कि तुम्हारी आवाज़ मेरे दिमाग में जो है गूंजे। It always made me feel you were with me. जब भी मैं तुम्हारे लेटर को पढ़ती थी ऐसा लगता था कि तुम मेरे साथ हो। And now you are, और अब तुम मेरे साथ हो। Now you are back and you can read it to me yourself. अब तो तुम वापस आ चुकी हो, क्या तुम मेरे लिए खुद इस लेटर को पढ़ोगे? Would you do that for me, Jim dear? क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे जिम? I just want to hear your voice again. मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी आवाज़ को सुनना चाहती हूँ। I would love that so much. उसके बाद वो कहती हैं कि मुझे कितना अच्छा लगेगा तुम्हारी आवाज़ को सुनना। And then perhaps we will have some tea. फिर कहती है उसके बाद हम लोग थोड़ा सा चाय पिया जाएगा। I have made you a nice Christmas cake. और मैंने तुम्हारे लिए क्रिसमस केक भी बनाया है जिसके आज चारों ओर मैंने मार्जिपन जो है वो मार्जिपन लगाया है। ये एक तरीके का ड्राई फ्रूट है, ठीक है। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें मार्जिपन कितना ज़्यादा पसंद है। यह बात बोलते हुए यह चैप्टर खत्म होता है। यहाँ पे कोनी जो है, जो मिसेस जिम मैकपर्सन है, वो कन्फ्यूज़ हो गई हैं और वो ऑथर को ही मिस्टर जिम मैकपर्सन समझ के उनसे अपनी सारी भावनाएँ शेयर कर रही हैं। दैट इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। Now I hope you liked the explanation. अगर आपको explanation पसंद आई हो तो इस वीडियो को भी लाइक करना ना भूलें। नीचे में कमेंट करना जरूर बुक explanation के बाद, इस बुक वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर कमेंट करें कि आखिर आपको यह explanation कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर अभी तक आपने वीडियो देखा है तो आपको वीडियो पसंद आई है, तो ऐसे और भी वीडियोज़ को देखने के लिए, एजुकेशन वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको यह कोई भी आने वाला वीडियो मिस ना हो, और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स, फैमिली या जो भी जान पहचान वाले हैं, अगर उन्हें भी सीखना है तो उन्हें भी मौका मिल सके। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।